Hey fam, welcome back to the Den Star. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड डंकी ड्रॉप 4 का ट्रेलर आया है स्टारिंग भाई बहुत बड़े बड़े नाम है शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की मूवी तापसी पन्नू विकी बोमन ईरानी सर एंड इट इज रिलीजिंग ऑन 21st ऑफ दिसंबर। तो जस्ट अ मूवी आई गई है एंड कांट वेट। जो हमने लास्ट इसका देखा था उसमें लाइक थोड़े थोड़े करेक्टर्स रिवील हुए थे एंड इसमें इन डिटेल होगा ट्रेलर, तो मजा आने वाला है। लेट्स बिगिन और देखते हैं ट्रेलर कैसा है। जे कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लालटू में कदम रखा। यहाँ मिले चार उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। बल्ली बाल काटता था। बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे। बुगू पिजामिया बेचता था। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखा दे, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन कोलन सेमी कोलन कॉमा ते फुल स्टॉप। और उनके साथ मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है मेरे लिए। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुश्ती घुमाती है कोच जी को, वहां गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। यहीं पिघल गया मैं। तो मेरे लिए तो हो गई है मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। हो जा सकता हूं। टाइम पे भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। I want to go to lavatory. IELTS is piece of cake. I don't want to go to lavatory. I to ji done lavatory. अरे अरे। So if you've no vocabulary, how do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है एक पंजाबी का। 100 साल राज करके गए अंग्रेजों। ये स्टार कास्ट बढ़िया है इसमें। जब ये यहाँ आए थे, हाँ। हमने तो नींद से पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या? जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते है हमको रोकने वाले? चल वे वतना फेर मिलांगे, बैठ के लंबी बात करांगे। हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश अपना परिवार अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों हाडी। जय हिंद। राजकुमार हिरानी मूवी तो भाई कुछ भी हो सकता है एंड एक्सपेक्टेशन तो है। गिवन होगा, राइट राइट राइट, मतलब प्लॉट समझ नहीं आया बट आई थिंक प्लॉट शुड बी गुड। नहीं हाँ, मतलब स्टार्टिंग तक ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब वो ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने का, वो हो नहीं पा रहा, तो दे विल यू नो ट्राई दी इलीगल वे। जैसे बोलो ना कि भाई हमने उनसे पूछा था, मतलब वो कौन होते हैं उनसे पूछने वाले, तो नाउ दे विल ट्राई दी इलीगल वे टू गो, है ना, ऐसा वाला सीन जैसे अंडर द वायर हो गया या फिर जैसे वो दिखाया बॉर्डर जैसे पैर लाइक पैर पैर क्रॉस कर रहे हैं या फिर कंटेनर्स में जा रहे हैं, मतलब ऐसे बीच में जैसे आर्टिकल्स आए थे ना लाइक काफी लोग ऐसे बॉर्डर्स क्रॉस करके जा रहे थे यूएस एंड ऑल, मतलब ये तो हमेशा ही चलता ही रहता है। हाँ हाँ, मतलब चलता रहता है बट रिसेंटली काफी हाईलाइट हुआ था तो मुझे लगा था वो होगा, बट देन अगेन देयर इज अ ट्विस्ट कि अपना वैसे देश छोड़ के जाता है देन 25 साल बाद एंड यू नो, मतलब बहुत कुछ है व्हिच इज लाइक वेरी अनक्लियर कि इससे मूवी देखनी पड़ेगी। हाँ, सेकंड हाफ में देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन एंड यू नो गन वाला सीन भी सारा, मतलब यू नो वैसा वाला सीन है एंड बट मुझे ऐसा ऐसा मुझे फील हुआ ये जो जब वो विक्की वाला सीन आया कि विक्की को मना कर दिया, राइट, कि आप नहीं जा सकते, यू डोंट नो द लैंग्वेज ऐसे करके, तो और उसके बाद सीन आया पीछे बॉडी वाला सीन चल रहा है लाइक जैसे क्रिमेशन वाला सीन, और वो तब शाहरुख खान का डायलॉग आ रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद विक्की ने सुसाइड कर लिया, विक्की कौशल करेक्टर जो है उसने सुसाइड वुसाइड कर लिया चक्कर में, और उसके बाद स्टोरी चेंज हुई। और एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ,
अगर आप ट्रेलर का वो देखोगे, थंबनेल देखोगे, तो थंबनेल में देयर इज नो विकी कौशल इन थंबनेल। थंबनेल में सारे करेक्टर्स हैं बट विकी कौशल का करेक्टर थंबनेल में नहीं है। तो मुझे मुझे ये क्लिक हुआ कि हो सकता है कि वहां से वो मतलब ऐसी ट्रेजेडी सा ऐसा कोई मतलब हुआ कि उस वजह से, क्योंकि वहां पे उधर उसके सामने दे वर टॉकिंग, तो कि हाँ मतलब वो ऐसे एकदम से ना उसी डायलॉग के बाद वो पीछे चल रहा है एंड आगे शाहरुख खान खड़ा है एंड देन ही सेइंग द डायलॉग एंड कट टू वो चले गए हैं बाहर, वहां पे फिर फायरिंग हो रही है पानी में, मतलब शाहरुख खान से यू नो अंडर द वाटर। मतलब वो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्यों, तो मतलब मुझे लगा वो दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट जब विकी कौशल मतलब ऐसे स्टोरी से कट हो जाएगा एंड दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी एंड वहां से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा स्टोरी में। तो ये मेरी मतलब ये जस्ट इट्स माय थिंकिंग कि ऐसा होगा, आई डोंट नो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट वॉचिंग द ट्रेलर मुझे ऐसा लग रहा है शायद पॉसिबिलिटीज। हाँ और आई थिंक इट्स वेरी गुड बेट, मेरे तो नहीं सोचा। और सेकंड थिंग द थंबनेल थिंग, थंबनेल में भी विकी कौशल नहीं है तो हो सकता है ऐसा सीन हो जाए, आई डोंट नो। बाकी राजकुमार हिरानी की मूवी है तो भाई कुछ भी एक्सपेक्टेशन आप रख सकते कुछ हो, भी हाई हो सकता एक्सपेक्टेशन है, लेके जा बट सकते हो। होपिंग अच्छा ही हो, हाँ यस यस क्योंकि बाकी बड़े बड़े अ नाम लॉट ऑफ है। हाँ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इतने सारे बड़े नाम है यार, कुछ तो बात होगी ना स्क्रिप्ट में। बाकी आई वुड यू नो लव टू सी योर ओपिनियन एंड लोगों का क्या लगता है यस, कि क्या स्टोरी होगी, क्या हो सकता है, कमेंट प्लॉट क्या डाउन हो सकता है। बिलो, यस कमेंट डाउन बिलो जिसकी मुझे ऐसे प्लॉट व्लॉट लगे, किसी ने बताया होगा तो आई वी स्पिन विल द फिनिश। कमेंट एंड या किसी के एक यस वन लाइनर भी कुछ हो ऐसा कुछ होगा विल डेफिनेटली पिन और यस, रिप्लाई लेट टू अस दैट नो, कमेंट। बाकी आप बताओ को तो मेक कैसा श्योर लगा यू ट्रेलर एंड कमेंट अगर डाउन हमारे बिलो, साथ एंड मजा आया तो। अगर आपको हमारे साथ देखने में मजा आया हो तो मेक श्योर यू गिव अस अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय टेक केयर, बाय। बाय बाय।